हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, डैट इज रेजोनेंस, उसके बारे में ट्रिक्स देने जा रहा हूँ। लेकिन ट्रिक्स से पहले कुछ ज्ञान की बात, कुछ इम्पोर्टेंट बात हो जाए। तो देखो, रेजोनेंस को मैं प्यार से अब आगे रज्जो बोलूँगा। रेजोनेंस को क्या बोलाएंगे? रज्जो। ओके, तो रज्जो के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले जान ले कि रज्जो में क्या क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो रज्जो है वो है क्या एक्चुअली, तो डैट इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन मतलब घूमना फिरना, वो एक जगह पे नहीं रहेगा, एक एटम से दूसरे एटम पे, दूसरे एटम से तीसरे एटम पे। तो इसमें हम वही बात करने वाले हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। ध्यान रहे, इसमें एटम की शिफ्टिंग नहीं होती है। रेजोनेंस में कभी भी एटम शिफ्ट नहीं होते, एटम शिफ्टिंग नॉट अलाउड। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट पाते हैं कि जो रेजोनेंस होगा उसके लिए कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, वो प्लेनर होना चाहिए। डैट मीन्स उसमें जो एटम सब हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होनी चाहिए। या फिर एक और ये कंडीशन हो सकता है कि जहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है वहाँ तक के जो सारे एटम हैं वो एक प्लेन में होनी चाहिए। ये कंडीशन हो गई रज्जो की। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो उसमें चार्ज मेंटेन रहेगा। अगर मान लो कि स्टार्टिंग में आपका जो मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर था उस पर कोई चार्ज नहीं था, तो उसके जितने भी RS आप बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें किसी पे भी चार्ज नहीं आना चाहिए। अगर -1 का चार्ज है तो सब में -1 का चार्ज मेंटेन होना चाहिए। तो तीसरे पॉइंट का वही मतलब है कि चार्ज शुड बी मेंटेन इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जो आगे हम देखने वाले। फोर्थ पॉइंट कि इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ये जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट करता था, राइट। तो इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, इसीलिए ये उससे ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा, राइट, या स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा। और इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, वी ऑलरेडी नो। फिफ्थ पॉइंट इज कि ड्यू टू रेजोनेंस होता है, मतलब रेजोनेंस हो ही क्यों रहा है, तो रज्जो इस वजह से हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे रिलेट करेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हमारे लिए क्या हो गया, स्ट्रेस या दुख या पीड़ा, कष्ट, जो आप समझो। तो वो जितना कम होगा उतना स्टेबिलिटी रहेगी। तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। डैट मीन्स दुख को जितने ज़्यादा लोग बांटने वाले होंगे, ऑब्वियसली बात है वो आदमी उतना ईजिली सर्वाइव करेगा, उतना उसको ईजी रहेगा जीना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेवन्थ पॉइंट कि जो RS, डैट मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, राइट, CS, तो RS कहीं पे लिखा हो या CS लिखा हो, ये सब समझ जाना, ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। तो ये सब जो है वो हाइपोथेटिकल है, ये हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये किसी को मालूम नहीं है, राइट। बट इस कंसेप्ट को यूज कर करके हम सारे रिजल्ट तक पहुँच पा रहे हैं, इसलिए इस थ्योरी को एक्सेप्ट किए हुए। तो इट इज़ ए हाइपोथेटिकल फेनोमेनन, राइट। तो एक्चुअल में है क्या सर, तो एक्चुअल जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड, RH शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, वो एक्चुअल है। और वो बनता कैसे है, तो जितने भी आपके RS हैं उनके कंट्रीब्यूशन से बनता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। तो देखो, रज्जो के लिए जो ट्रिक लेके आया हूँ मैं, रज्जो आपको बता रखा हूँ, रेजोनेंस को प्यार से मैं बोलूँगा रज्जो। तो जैसे देखो, एक हाथ में 5 उंगली है, वैसे ही रफ़ी सर के 5 पॉइंट है रेजोनेंस के लिए। अगर इसको आपने समझ लिया तो फिर आपका रेजोनेंस समझ में आ जाएगा। पहले हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए ये 5 पॉइंट हमने लिस्ट आउट किया है कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड हो, डैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड आए, सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद फिर पाई इलेक्ट्रॉन हो, पाई बॉन्ड हो, तो वहाँ पर रेजोनेंस होगा। एक पॉइंट जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज का ये मतलब क्या है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होना मस्ट है, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज नहीं भी है तो भी चल जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है। ओके, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो,
पॉजिटिव सिंगल डबल, क्या यहाँ पे हो रहा है? यस, देखो पॉजिटिव उसके बाद सिंगल फिर डबल, तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, ऐसे चेक करना है। सिमिलरली यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है बट वैकेंट और वाइटल है, क्योंकि बोरॉन ने अभी तीन ही बॉन्ड बनाया, तो वैकेंट और वाइटल यहाँ पे आ गया, सिंगल और फिर ये डबल, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगा। ओके, वो केस है जहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, जैसे ऐसा कहीं पे है NH3+CH double bond CH2, अगर ऐसा है तो आपको क्या लगेगा कि पॉजिटिव सिंगल डबल, ये सर ने बताया था रेजोनेंस हो जाएगा। नहीं, सर का ये कहना है कि पॉजिटिव चार्ज जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है वैकेंट और वाइटल। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि इसने चार बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ पे कोई वैकेंट और वाइटल नहीं, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो आई होप पॉइंट नंबर 1 क्लियर होगा, जब भी आपका पॉजिटिव सिंगल डबल आए डैट मीन्स वहाँ पर रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव का मतलब वैकेंट और वाइटल है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। जब भी आपका लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज उसके बाद सिंगल बॉन्ड आए फिर पाई बॉन्ड, डैट मीन्स लोन पेयर या निगेटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड, तो वहाँ पर रेजोनेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लोन पेयर है, सपोज करते हैं कार्बन पे लोन पेयर, नहीं ये निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज सिंगल और ये डबल, तो देखो नेगेटिव सिंगल डबल, अगर ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो, ये फॉलो हो रहा है मतलब वहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। ये रफी सर का ट्रिक है जिससे आप इजीली पहचान सकते हो कि वहाँ पर रेजोनेंस होगा कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। ध्यान दें कि जब एक एलिमेंट पे एक से ज़्यादा लोन पेयर हो तो एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। सिमिलरली अगर एक से ज़्यादा यहाँ पे पाई बॉन्ड होता तो एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाता। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अगर आपका डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया दो पाई बॉन्ड, तो जब डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे भी रेजोनेंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल डबल सिंगल डबल, तो ये उस सिक्वेंस को फॉलो कर रहा है, डैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अगर आपका फ्री रेडिकल इज इन कंजुगेशन विथ पाई बॉन्ड हो तो वहाँ भी रेजोनेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने वो कंडीशन को लिखा है जो रफी सर का ट्रिक है और एक एक एग्जाम्पल लिया है कि कैसे आपको उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट, अगर आपका लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन विथ वैकेंट और वाइटल हो, वैकेंट और वाइटल आइदर पी भी हो सकते हैं या डी भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है फिर ये सिंगल, कार्बन पे प्लस है मतलब वैकेंट और वाइटल है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएंगे। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर इस सिक्वेंस को फॉलो हो रहा है कहीं पर मॉलिक्यूल में तो वहाँ पर रेजोनेंस होगा। नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, या ये जो लोन पेयर है, या ये जो नेगेटिव चार्ज है, या फिर ये जो फ्री रेडिकल है, या ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सब के सब को आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एज्यूम करना है कि ये बर्डन है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, पीड़ा है, कष्ट है, स्ट्रेस है, यही तो है ये सब। अब तुम ही सोचो कि अब हम क्या सोचेंगे, राइट क्या सोचेंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें उतना ज़्यादा हम स्टेबल रहेंगे। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी हो रही है। तो आपको यही मानना है कि ये सब पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, जिस कार्बन पे या जिस भी एलिमेंट पे है, डैट मीन्स वो स्ट्रेस में है, वो दुख में है। अब उसको जितने आगे के एलिमेंट शेयर करेंगे उतना वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता जाएगा। सिंपल एक प्रैक्टिकल थिंकिंग करते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि 10 केजी का सामान आप लेकर के खड़े रहो तो क्या करोगे, 10 मिनट बाद उसको पटक दोगे, राइट। लेकिन वही बोलूं कि आप 4 फ्रेंड में उसको सर्कुलेट करते रहो तो आप इजीली कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे, रेजोनेंस इज नथिंग बट कि ये सब बर्डन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन, घूमना फिरना। कोई एक आदमी परमानेंट उस स्ट्रेस को फील नहीं कर रहा है, सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो चलिए अब हमने जो पॉइंट आपको दिए हैं उसको अप्लाई करके देखते हैं कि उससे हम पता करते हैं कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, डैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस। पहले तो हमें पता लगना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में रेजोनेंस होगा कि नहीं। तो वो जो 5 पॉइंट दिया था उसको बस अप्लाई करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो इस केस में क्या हो रहा है,
डबल बॉन्ड राइट, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो वही सीक्वेंस आ रहा है डबल सिंगल डबल, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। बस अभी हमें चेक करना है कैसे होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो तो डबल सिंगल सिंगल आ गया, ध्यान से देखो डबल सिंगल फिर सिंगल तब डबल आ रहा है, तो फिर यहाँ नहीं होगा क्योंकि डबल सिंगल डबल होना चाहिए था राइट। यहाँ पे ध्यान से देखो तो पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन पे है, तो फिर सिंगल फिर डबल, तो पॉजिटिव सिंगल डबल हो रहा है मतलब रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो तो बहुत सारे बच्चों को लगा कि यहाँ पे नहीं होगा, तो ध्यान से देखो नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बनाया राइट, दो हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, तो अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है जो जनरली वो दिखा करके नहीं देगा, तो लोन पेयर सिंगल डबल आ गया वो सिक्वेंस, तो यहाँ भी हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होगा, वो दिखा के नहीं देगा राइट, ये आपको थिंक करना है, तो ये लोन पेयर हो गया राइट, फिर सिंगल फिर डबल, तो ये रेजोनेंस हो जाएगा। ध्यान दें कि बता रखा हूँ जब भी एक एलिमेंट पे एक से ज़्यादा लोन पेयर होगा तो कोई एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान से देखो कार्बन पे पॉजिटिव पॉजिटिव सिंगल डबल, तो रेजोनेंस हो जाएगा राइट। सिमिलरली यहाँ पे दिया नहीं है तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगा। बाय द वे वैसे भी रेजोनेंस हो रहा है डबल सिंगल डबल, यहाँ से भी हो रहा है डबल सिंगल डबल, ये भी रेजोनेंस है और वो भी है राइट। अब यहाँ पे तो वैसे तो हो ही रहा है अगेन डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, बट इसको अगर एक्सपेंड करोगे ये सी एच ओ एल्डिहाइड ग्रुप है राइट, सी डबल बॉन्ड ओ एच लिखोगे, तो यहाँ से देखो डबल सिंगल डबल, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है राइट, मतलब ये ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो निगेटिव सिंगल डबल, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो जाएगा। तो बहुत ईजी है राइट, जो आपको पांच पॉइंट दिए उसको यूज करते हुए आइडेंटिफाई करना कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो तो ये निगेटिव फिर उसका सिंगल नहीं आया डबल आ गया, मतलब डबल बॉन्ड पे ही निगेटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता। या पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड तो भी नहीं होता, फ्री रेडिकल कोई भी होता है तो रेजोनेंस नहीं होता क्योंकि ये डबल बॉन्ड पे ही आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल डबल, तो ये कंसेप्ट लगा देना क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पे वो किस वजह से आया है, चार बॉन्ड बनाने की वजह से, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर देखो नेगेटिव सिंगल सिंगल फिर डबल आ रहा है, ध्यान से देखो नेगेटिव सिंगल सिंगल फिर डबल, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो पॉजिटिव सिंगल सिंगल, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है बट यहाँ रेजोनेंस हो रहा है राइट, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है बट वो पॉजिटिव चार्ज आपका जो बर्डन था वो डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, डैट मीन्स वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा राइट, जिसकी बात हम आगे करेंगे। ये वाला अगेन पॉइंट यहाँ से देखो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को लगेगा रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि है ही नहीं डबल डबल है राइट। पहले ध्यान से देखो कि इसके पास लोन पेयर है और इनके पास भी लोन पेयर है राइट। अब कंसेप्ट लगाओ लोन पेयर, नो डाउट ये पाई बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा तो है राइट, लोन पेयर सिग्मा और इधर पाई बॉन्ड तो है राइट, तो उस कंडीशन को फॉलो कर गया लोन पेयर फिर सिंगल बॉन्ड है फिर इधर पाई बॉन्ड है राइट, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो सीक्वेंस बताया उस सीक्वेंस को अगर फॉलो कर रहा है तो वहाँ रेजोनेंस होगा, नहीं कर रहा है तो वहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहाँ रेजोनेंस होगा कहाँ नहीं होगा। यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि रेजोनेंस कैसे हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ट्रिक से ड्रॉ करेंगे एंड उसके अप्लीकेशन।